बुलेटिन में हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई और तेज हो गई है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने फिरोजाबाद के शिकोहाबाद और उसके तत्पश्चात हाथरस में डोर टू डोर कैंपेन किया, यानी लोगों के घर घर गए और भारतीय जनता पार्टी के कामों के बारे में उन्हें बताया और फिर मतदाता संवाद कार्यक्रम में विपक्ष को उन्होंने घेरा। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाई और पिछली सरकारों की गिन गिन कर नाकामियां भी उन्होंने गिनाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज, बीजेपी के घर घर दस्तक, नड्डा का जनसंपर्क अभियान। यूपी का चुनावी संग्राम अपने चरम पर है। 22 की बाजी जीतने के लिए हर दल मैदान में कूद चुका है। वहीं बीजेपी घर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत तेजी से चुनाव प्रचार कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंचे। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ उमड़ी और नड्डा ने भी लोगों से मुलाकात की और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। चुनाव प्रचार के दौरान नड्डा शिकोहाबाद में जहां जहां पहुंचे वहां वहां जनता ने उन पर जमकर फूल बरसाए। लोग घरों की छत पर चढ़कर उनका अभिवादन कर रहे थे। इससे पहले प्रभावी मतदाता संवाद में जगत प्रकाश नड्डा ने कोरोना काल में मददगारों की तारीफ की। कोविड के दौरान ऑक्सीजन ले जाने वाले बिना भोजन किए हुए, बिना रुके हुए, बिना नींद लिए हुए जो उस ऑक्सीजन के चलाने वाला वाहक था, ड्राइवर था, उसके साथ डायरेक्ट संवाद करके मन की बात में उन्होंने बताने का प्रयास किया कि देश कैसे खड़ा होता है। उन्होंने उन पायलट्स के साथ चर्चा की जिन लोगों ने हजारों टन ऑक्सीजन नीचे तक पहुंचाने का प्रयास किया, उड़ाने भरी। आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन एक हफ्ते के अंदर 1400 उड़ाने भर करके वह ऑक्सीजन हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया था। उन ऑक्सीजन के लिए पायलट्स के साथ बातचीत की है। शिकोहाबाद के बाद नड्डा का काफिला हाथरस पहुंचा, जहां जनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों से उन्होंने मुलाकात की और बीजेपी के पर्चे बांटे। इस दौरान नड्डा का जोरदार स्वागत हुआ। मतदाता संवाद कार्यक्रम में नड्डा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 तलाक समाप्त करो। सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, किसी में हिम्मत नहीं हुई। मोदी जी ने करोड़ों मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के दंश से आजाद कर दिया और उसको हटा दिया। हम कहते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे तो उस समय की सरकार ने गोलियां चलाई थी कि नहीं चलाई थी, और आजकल नेताजी घंटी मंदिर में बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं। तो अब पछतावत हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। विकास का अर्थ इनका था तो अपने लोगों को एमएलए बनाओ, एमपी बनाओ, एक एक घर से 50-50 एमएलए, जिला परिषद सदस्य, चेयरमैन सारे थे कि नहीं थे और हैं कि नहीं हैं, यही इनका विकास का मॉडल था। 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान है। ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश पश्चिमी यूपी में बीजेपी को मजबूत करने की है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के दिग्गज नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा जमाए हैं और जाटलैंड में जीत के लिए हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश में चुनाव की